कोऑर्डिनेट, जैसा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि पॉइंट और पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कैसे बने, एक्स वाई प्लेन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, वहाँ पर पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने फंडामेंटल बेसिक, बिल्कुल बेसिक में जाके इस चीज़ को देखा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए पहले हम लोग एक बार फिर से थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, जिससे कि आप फिर से थोड़ा सा जो चीज़ या कोई भी चीज़ लैग कर रहा है तो हम लोग सीख जाएं। हमने देखा था कि दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनको एक्स और वाई एक्सिस बोल रहे हैं, वो चार पार्ट में प्लेन को डिवाइड करते हैं। पहले वाले पार्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये चीज़ आपको बखूबी पता चल गई होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, और पहले से हम लोग देखते चले आए हैं, तो इस बात में हम लोग सहज हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं, 0,0, मतलब यहाँ से सारी चीज़ों को शुरुआत करेंगे। इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट में जाने पर एक्स को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेफ्ट में जाने पर निगेटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर जाने पर वाई पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे जाने पर वाई नेगेटिव। अब अगर हम देखें कि अगर कोई पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, पॉइंट पी को कंसीडर कर रहे हैं, वो एक्स का वाई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जहां पर ये एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई गई थी, फ्रॉम y एक्सिस, और y को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये x और y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, x और y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमने यहां पे 0,4 रखा या 4,0 रखा या 3,0 लिया, तो जब 3,0 लेंगे तो ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। देखिए x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, जब भी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी तो सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे ही रह जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। तो अगर x का मान 0 टाइप के, a का मान 0 टाइप के, h का मान 0 टाइप के, या पॉइंट x का मान y वेयर y 0 है, इसका मतलब ऑर्डिनेट, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, वो सारे पॉइंट्स जिनका ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0, तो दे लाइज ऑन x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं वो x एक्सिस पे वही लाई करेंगे जिनके y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0। इसी तरीके सिमिलर y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे लाई करेंगे तो उनका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट मस्ट बी, और x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, एब्सिसा उनका 0, तो यानी 0,y टाइप के एग्जांपल में 0,1, 0,5 और 0,7। तो एक बात हमने सीखी कि x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, ठीक। तो पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस इंप्लाइज करेगा y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, दैट इज ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट 0, दे आर ऑल टाइप ऑफ एक्स कामा 0 या a कामा 0, एच कामा 0,
दीज आर द पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस. सिमिलरली यहां पर वाई एक्सिस पे लाई करने वाले एक्स कोऑर्डिनेट उनका जीरो होगा, एब्सिसा उनका जीरो होगा. दे आर ऑफ द टाइप एब्सिसा मतलब जीरो कामा के टाइप के होंगे. दीज आर द पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस. पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस और दीज आर अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस. इतनी बात हमने सीखी. यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं. इनमें एक खासियत है कि इनके वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है? जीरो है. तो अगर इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1,0 कहीं यहां पर आएगा, 2,0 यहां पर आएगा, 4,0 कहीं यहां पर आएगा, -1,0 यहां पर आएगा, -3,0 यहां पर आएगा, h,0 कहीं जनरल कहीं यहां पर आएगा. तो सारे पॉइंट्स जिनका y कोऑर्डिनेट जीरो है, y बराबर जीरो है, वो सारे x का y, जिनका y बराबर जीरो है वो सारे x एक्सिस पे लाई करते हैं, लाइज ऑन x एक्सिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर जीरो इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि y बराबर जीरो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी. या यू देखें कि अगर आपने x का y तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से. तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो. तो वो सारे पॉइंट जिनकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो है. तो सारे पॉइंट किस पे लाई करेंगे? x पे ही लाई करेंगे. सारे x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या है? जीरो. तो सब इसी पे लाई करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट इज y बराबर जीरो. ठीक है. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट चला गया. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट इज x बराबर जीरो. तो बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,k, 2,y, 2,-1, 2,-2. तो जब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 2,0 x पे 2 यूनिट, y पे 0, फिर 2,1 तो x पे तो 2 ही रहेगा, y पे 1. तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे चल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ऐसे चल रहे हैं. तो इनको अगर मिलाया जाए तो एक ऐसी लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिमिलर क्या है? इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, सबका एक्स क्या है? कांस्टेंट है. एक्स बराबर एच है. तो एक्स बराबर एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट एच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से एच डिस्टेंस पर आप जाके, जैसे एक्स बराबर थ्री है तो आप क्या करिए, ओरिजिन से थ्री डिस्टेंस जाइए, 1, 2 और 3, और वाई एक्सिस के पहले एक लाइन खींच दीजिए एक्स बराबर थ्री. एक्स बराबर -1 तो अब एक्स बराबर -1 पे जाइए और वाई एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए. ठीक है. तो जितनी x बराबर h लाइन होगी, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, ये सारी लाइन, इसमें x दिख रहा है तो x दिख रहा है तो y के पैरेलल होगी, y के समांतर. तो इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने देखते हैं. यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट किया था x को, कॉन्स्टेंट किसको किया था? x कोऑर्डिनेट को कॉन्स्टेंट किया था. तो x कोऑर्डिनेट को कॉन्स्टेंट किया था तो y के अलॉन्ग पॉइंट बढ़े थे. किसके अलॉन्ग पॉइंट बढ़े थे? कि y को फ्री कर रखा तो y के अलॉन्ग बढ़ेंगे. तो y वैरी कर रहा है तो y के समांतर हो गया. अब हम लोग क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे x को कॉन्स्टेंट किया था तो यहाँ पर y को, तो 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, k,2,
तो वैरी यहां पे एक्स कर रहा है, क्या वैरी कर रहा है एक्स। अब 0.2 यहां पे आएगा, 1.2 यहां, 2.2, 3.2। अब हमारा वाई कॉन्स्टेंट है, वाई कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, वाई बराबर के, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वाई बराबर 2, वाई बराबर 3, वाई बराबर -1, वाई बराबर 3, वाई बराबर 5, वाई बराबर के, ये लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। वाई दिख रहा है तो एक्स के पैरेलल, और एक्स बराबर एच, एक्स दिख रहा है तो वाई के पैरेलल, एक्स बराबर 0, एक्स दिख रहा है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन, वाई बराबर 0 तो वाई दिख रहा है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। आप किसी तरीके से याद रखें, इतने कॉन्सेप्ट को आप सीख गए होंगे आसानी से, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 में फिजिकली एक्स दिख रहा है तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई बराबर 0 फिजिकली आपको वाई दिख रहा है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। रात नहीं है तो वर्ड यूज किया रात, तो रात नहीं है तो दिन, इसका मतलब क्या है दिन, ओके। वाई कॉन्स्टेंट है, वाई बराबर 2 तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 3 तो एक्स कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल, मतलब दिमाग पे आपको लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। अगर आपने दिमाग पे थोड़ा सा भी लोड लिया, सोचने की कोशिश की, तो गड़बड़ करेंगे। सिंपल, मैंने बोला एक्स बराबर 4 तो दिख क्या रहा है एक्स, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इस बात को जरा जो मैं बता रहा हूँ उसको सोचें, एनालिसिस करिए, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा और हमेशा याद रहेगा। जैसे किसी ने मुझसे बोला वाई बराबर -1, बहुत दिन बाद बोला वाई बराबर -1, तो वाई दिख रहा है तो एक्स के पैरेलल, ठीक। यहाँ पर दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज़ किया, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस। तो जब शॉर्टेस्ट और मिनिमम की बात आती है तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये बात क्यों यूज़ की, अगर ए और बी हैं पॉइंट तो ये भी इसके बीच की डिस्टेंस है, ये भी रूट है इसके बीच के डिस्टेंस, ये भी रूट इसका डिस्टेंस है, बट ये वाला रूट क्या है, इन सारे रूट से एक जो डायरेक्ट हमने ज्वाइन किया ए से बी, वही रूट सबसे शॉर्टेस्ट है। ये सारे रूट आपको क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा दूरी या दूरी लगाएंगे, बट ये दूरी सबसे क्या होगी, कम। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब ज्वाइन करते हैं ए और बी को, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वन कहाँ वाई वन, एक्स टू कहाँ वाई टू, तो प्लेन पे ले जाते हैं। एक्स वन कहाँ वाई वन का मतलब है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वन चलिए, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई वन चलिए, वो एक्स वन कहाँ वाई वन। सिमिलरली एक्स टू कहाँ वाई टू, ये एक्स टू हो गया, ये वाई टू हो गया। अब इतने पार्ट को हमने देखो क्या दिखाया, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये वाई टू है, ये वाई वन है, तो वाई टू माइनस वाई वन। तो हमने इस पार्ट को देखो लिया, इस वाले पार्ट को यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन, और इतने वाले पार्ट को y2 माइनस वाई वन। एक हमने ट्राइंगल बनाया, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री यहाँ पर है। तो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर रिमेनिंग साइड से स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो रिमेनिंग साइड का लेंथ क्या है, एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर ए बी। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, टू पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, ए बी बराबर डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे कि इस वाले फार्मूले से इस वाले फार्मूले में क्या डिफरेंस है और क्या आसानी है। जैसे इसको हम देखिए, अगर ऐसे लिखा गया, ज़्यादातर लोग ऐसे याद करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला याद करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, हमेशा वो ऐसे याद करते हैं। जब भी आप पूछिए तो वो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर उनसे ये बोला जाए, उनसे अगर ये बोला जाए कि क्या ये फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होगा, थोड़ा असहज हो जाएंगे। देखिए चाहे ऐसा लिखे, चाहे ऐसा लिखे, चाहे ऐसा लिखे, चाहे ऐसा लिखे, यहाँ पर x2 टू माइनस एक्स वन करें या x1 वन माइनस एक्स टू करें, y1 वन माइनस वाई टू करें या y2 टू माइनस वाई वन करें, होल स्क्वायर करने पर इनमें कोई अंतर नहीं है।
इससे हमें देखिए फायदा क्या मिलता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं आपके सामने, वन का माइनस टू और माइनस टू का मा थ्री। हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले को जब रूटीन मेथड से लगाते हैं, जैसा का फॉर्मूला बोला गया एज इट इज़ लगाते हैं, वन का माइनस टू को हम लोग एक्स वन का वाई वन कंसिडर करते हैं और माइनस टू का थ्री को एक्स टू का वाई टू कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स वन की वैल्यू हमने वन मान ली और वाई वन की वैल्यू माइनस टू मानी, एक्स टू की वैल्यू माइनस टू और वाई टू की वैल्यू माइनस थ्री मानी। तो यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू की जगह हमने क्या रखा, माइनस टू, एक्स वन की जगह वन रखा, यहाँ पर वाई टू की जगह थ्री रखा और वाई वन की जगह माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन और ट्वेंटी फाइव, जब हमने कैलकुलेट किया 34 आ गई। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं, बट कॉम्पिटिशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो टाइम, एक हमारी एक्यूरेसी। टाइम और एक्यूरेसी, स्पीड मेंटेन रख रहे और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन हमारा गलत ना हो और जल्दी से हो, दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ध्यान रखें कि जैसे ये पॉइंट आए 2, 3 और 3, 4, ये ए लिया ये बी लिया, तो देखो प्लस प्लस हैं तो इनका अंतर मतलब इनको एक दूसरे से घटा देंगे, तो घटाएंगे तीन में से दो या एक, दो में से तीन घटाएं तो कितना है, वन का स्क्वायर, और इसमें भी वन का स्क्वायर घटाएंगे। माइनस 2, 3 और माइनस 4, 5 आए, तो हमने कहा माइनस माइनस है तब भी घटा देंगे, तो इसका अंतर, इसका अंतर कितना आया 2 का स्क्वायर, और इसका भी अंतर 2 का स्क्वायर, उसका रूट ले लेंगे। तो दोनों पे हमने सेम साइन लिया, क्या लिया, सेम साइन लिया, प्लस प्लस डिफरेंस लेंगे, माइनस माइनस डिफरेंस लेंगे विदाउट टेंशन। मतलब आप करके भी देख लीजिए, यही आने वाला है, आपको लगेगा कि शायद कंफ्यूज है, बट ऐसा नहीं है। आप 2, 3 ले लिया और इधर -3, -5 लिया, तो प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस आएगा तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सीधा सा दिमाग में आप क्या करिए, ऐड, तो 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं, इस बात को हम रिपीट कर देते। देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने, प्लस माइनस, तो इनको जोड़िए, जोड़िए और रिस्पेक्ट टू द साइन, साइन का कोई कंसर्न नहीं रखना है। जोड़ने पर 5 आ गया उसका स्क्वायर, और माइनस 5 और 3 इनका जोड़ने पर 8 आया तो उसका स्क्वायर, प्लस माइनस, माइनस प्लस करने पर ऐड करेंगे हम लोग, प्लस प्लस, प्लस प्लस आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और 3 में अंतर कितना है 1 का स्क्वायर, और 3 और 4 में अंतर 1 का स्क्वायर। माइनस माइनस था तो अंतर लिया, प्लस प्लस था तो अंतर लिया। तो इन वाले पॉइंट्स पर हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितने सहज तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस है तो इनको क्या करेंगे, ऐड, तो ऐड करने पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस है ऐड करेंगे तो माइनस 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर, आपका 25 और 9, 34 डायरेक्ट आया कि नहीं आया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी शॉर्टकट है, ट्रिक है, आप देखना ऐसे बहुत, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आगे बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं लास्ट में, उनको आप करेंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को गतिमान और आगे बढ़ाएंगे। आप इंटरेस्ट लेते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक, फाइनली लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पर हैं, बोर्ड पर हैं, अभी कुछ आपको नोट करने के लिए टाइम देंगे और आप नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस पे डाउट हो उन डाउट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश होता है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी उसके आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया कि प्रैक्टिस पे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, लास्ट में भी आप नोट कर लीजिए, और उनके करो ज़रूर, आपको आने चाहिए, और उस बात को मैंने प्रैक्टिस ज़रूर करें जो कॉन्सेप्ट में बताया था, कि कंक्लूजन जो पूरा निकला वो यही था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि x बराबर 0 y एक्सिस है, y बराबर 0 x एक्सिस है, x बराबर 2 y एक्सिस के पैरेलल है, y बराबर -3 x के पैरेलल है। जो दिख रहा है वो ना होके
जो नहीं दिख रहा है वो होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने देखा कि प्लस प्लस और माइनस माइनस दिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का साइन को नहीं देखकर उनके स्क्वायर को जोड़ देंगे। और प्लस माइनस और माइनस प्लस जब भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आप उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल हो जाता है, आगे कैलकुलेटिव अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम देखना बहुत बचेगा, तब आपको लगेगा कि ये ट्रिक्स जो है काफ़ी मुझे हेल्प कर रही है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट आप देखेंगे जैसे जैसे धीमे चले आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अभी तक हमने अलजेब्रा में जो भी टॉपिक लिए पूरा रूटीन मेथड बताया, ट्रिक्स नहीं बताई, क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी अलजेब्रा में होती हैं, आपको पता चल जाएंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस जो सबको स्केयर्ड करता है, टफ करता है, यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट हर जगह बताएंगे। तो आप बने रहिए, साथ रहिए। और एक वीडियो हमने डाला था डिमांड्स ऑफ दिस वीक, अगर आप देख रहे हैं तो उसको ज़रूर, वो थोड़ा सा बोरिंग है टॉपिक और उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट आपके लिए आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप उस पर कुछ लिखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, ये आपके ऊपर है, आप तय करिए। और मुझे आशाएं हैं कि आप ज़रूर उसको बनाएंगे। थैंक यू, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।